हे गाइस, वेलकम टू स्टॉक टेक्नोलॉजी। तो आज हम लोग एनसीएससी के पीपीटी प्रेजेंटेशन के बारे में जानने वाले हैं। तो एनसीएससी पर मैंने बहुत सारे वीडियोस को बनाया, आप उन वीडियोस को जाकर प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं कि पीपीटी प्रेजेंटेशन क्या है एनसीएससी में। तो देखिए, मोस्टली आप तो सबसे पहले फाइल्स को रेडी करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, और चार्ट पेपर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए रेडी करते हैं एनसीएससी में। प्रोजेक्ट फाइल बनाने के बाद प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशंस को लिखते हैं और उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कहीं कहीं जगह पर आपसे पीपीटी भी मांग लिया जाता है, यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जो कि कंप्यूटर के थ्रू आपको समझाना होता है। तो अभी जैसे अगर ऑनलाइन हो रहा होगा तो आपको ऑनलाइन भी आप अपने फ़ोन के थ्रू रिप्रेजेंट करके पीपीटी को समझा सकते हैं। अगर आपका एनसीएससी ऑनलाइन हो रहा है कोरोना की वजह से, अगर नहीं हो रहा होगा तो आपको जहाँ पर कहीं कहीं स्कूल्स में क्या होता है कि आपको एक रूम दे दिया जाएगा कंप्यूटर रूम की टाइप में, जहाँ पर प्रोजेक्टर लगा रहता है, वहाँ पर आप अपने पीपीटी को सीडी के थ्रू या फिर पेन ड्राइव के थ्रू आपको वहाँ ले जाना होता है और उसे समझाना होता है। तो एज अ बेसिक मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एक पीपीटी तो बनाया नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बता दूँ। इस तरह का आपको पीपीटी बनाना होगा जिसके आप ईजिली अपने टॉपिक को समझा सकते हैं जज को। इस तरह का आपको पीपीटी बनाना है ताकि वो आपके टॉपिक को समझ सके, आप क्या प्रॉब्लम को डिराइव कर रहे हैं और उसका सॉल्यूशन क्या डिराइव कर रहे हैं। तो ऐसे मैंने एक एज एग्जांपल यहाँ पर देखिए पीडीएफ है, ऐसे मैंने यहाँ पीपीटी लिख दिया। जिस एक सब थीम को ले लेते हैं, यहाँ पर देखिए इकोसिस्टम फॉर सस्टेनेबल लिविंग। तो इस पर आपको पीपीटी बनाना है ताकि आप इजीली वहाँ पर उन जज को सामने में समिट या फिर समझा सके। देखिए, दो राउंड तीन राउंड होता है। पहला आपका जो वहाँ पर पहला आपका हॉल में होगा जहाँ पर आपका फाइल चेक किया जाएगा, लॉग बुक चेक किया जाएगा। दूसरा आपका होता है, आपको समझाना होता है पोस्टर के थ्रू। और तीसरा एक और राउंड होता है जिसमें पीपीटी प्रेजेंटेशन भी होता है। ये जरूरी नहीं कि कहीं कहीं ये होता है, लेकिन आपको इसके बारे में जानना चाहिए। तो इस पर रिलेटेड आपको जैसे इस टॉपिक को मैंने बताया सब थीम के बारे में, आप इस सब थीम से रिलेटेड यहाँ पर आप पीपीटी प्रेजेंटेशन रेडी कर सकते हैं। आप चाहे तो इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स दिए हुए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि आपको पीपीटी प्रेजेंटेशन कैसे करना है। और अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और अगर पीपीटी प्रेजेंटेशन आपको नहीं मिलता है, कुछ आइडियाज़ नहीं आते हैं, तो आप कमेंट करें, मैं आपको इसका फुल डिटेल बता दूंगा और किस तरह के वीडियोस और आपको चाहिए उसके बारे में कमेंट करें, ताकि मैं इस तरह के वीडियोस और भी बना सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।